बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने सुना है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी कैपिटल की जरूरत होती है? वो कैपिटल कहाँ से अरेंज हो? अगर बैंक से अरेंज करेंगे तो हराम ना हो जाए, बैंक क्योंकि इंटरेस्ट लेता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस्लामिक बैंकिंग क्या है या इस्लामिक फाइनेंस क्या चीज है। आजकल हम एक जद्दोजहद में लगे हैं कि हम अपने बिजनेस को ग्रो करें, अपने वेंचर को नए अंदाज में नई प्रोडक्ट के साथ लॉन्च करें और अपने बिजनेस के ऑपरेशन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करें। लेकिन क्या हमने ये सोचा कि इन तमाम चीजों को एज पर शरिया लॉ किस तरीके से किया जा सकता है? मैं ऐसे कौन सी ट्रांजेक्शंस बैंक के साथ करूं जिससे मैं चीजों को हराम में जाने से रोक सकूं, या वो कौन सी ट्रांजेक्शन है जिससे मैं हराम के जिम्मे में आ जाऊंगा? ये एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होती, क्योंकि वो ये सीखना नहीं चाहता या उसे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिससे वो सीख सके। तो इंशाल्लाह मैं अपनी इन वीडियो सीरीज की मदद से उन तमाम लोगों को इस बात की अवेयरनेस दूंगा और एजुकेट करूंगा कि किस तरह से वो अपने आप को इस्लामिक शरिया के अकॉर्डिंग बिजनेस चलाएं, ग्रो करें, किस तरह से वो अपनी बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग करें कि वो साल के एंड में अपनी ज़कात की कैलकुलेशन को अच्छे अंदाज में कैलकुलेट कर सकें। हम टैक्स के तो बहुत फिक्रमंद होते हैं, लेकिन कभी हमने अपनी ज़कात के बारे में नहीं सोचा होता कि कारोबार में ज़कात कितनी डिडक्ट होनी चाहिए और बैंक से किस तरह से मैं ट्रांजेक्शन करूँ कि मैं उन चीज़ों से बच जाऊँ जो मना की गई हैं। वो कौन सी रिसोर्सेज हैं जिनके जरिए से मुझे ये इस्लामिक शरिया लॉ के बारे में पता चलेगा? इन्हीं तमाम टॉपिक्स पे इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि उन लोगों को भी अपनी इस वीडियो में ज्वाइन करवाऊं जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस इल्म को सीखने में और लोगों तक पहुँचाने में लगा दी। आई होप कि आप सब इन वीडियोज को ज्वाइन करेंगे और ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।